नमस्कार, दूरदर्शन केंद्र जम्मू आसे पेश डोगरी खबरें तुंदा स्वागत। मैं अजूही मोहन, शुरुआत अज्जै दी खास खास खबरें कन्नै। रियासती प्रशासनिक कौंसल ने 2019-20 बरे दे बजट प्रस्तावें गी दित्ती मंजूरी। गवर्नर होरें आखिया बजट च बुनियादी ढांचे दे विकास पर दित्ता गेदा जोर। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ते डॉ जितेंद्र सिंह होरें कल किश्तवाड़ च आयुष्मान अस्पताल ते भद्रवाह च जड़ी बूटियां दे खोज केंद्र दा रखिया नींह पत्थर। 1971 युद्ध दे विजय दिवस पर राष्ट्र अज दया करदा शहीदें गी श्रद्धांजलि। ते हुण खबरां तफसील कन्नै। रियासी प्रशासनिक कौंसल दी कल जम्मू दी इक बैठक दौरान रियासत दे 2019-20 बरे दे बजट प्रस्तावें गी मंजूरी दित्ती गई है। गवर्नर सतपाल मलिक हुंदी अध्यक्षता च लगी दी इस बैठक दौरान 2018-19 बरे दे रिवाइज बजट खर्चें गी भी मंजूर कीता गया है। इस बजट च मुख ध्यान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे दे विकास बाधे पासे दित्ता गया है। रियासत च बिजली दी जरूरतां गी पूरा करने लई 300 करोड़ रुपये की वाधू रकम हासिल करवाए जाने का प्रस्ताव है, जिले के सिड़कें ते इमारतें दे संबंधी क्षेत्र लई इस बरे दे बजट च पिछले माली बरे दे मुकाबले 100 करोड़ रुपया वध रखे जाने का प्रस्ताव पेश कीता गया है। इस चाली सैलसफा के बाधे विकास लिए कुल 2000 करोड़ रुपए का सरिस्ता किया जा करता है। इस बारे में व्यापक जानकारी देते हुए गवर्नर ने दसिया जे बजट घाटे की काबू च रखने लिए भी लोड़ते सरिस्ते इस बजट च किए गए हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनका बजट डबल कर दिया गया है। एजुकेशन में हम एक नई यूनिवर्सिटी लद्दाख यूनिवर्सिटी करके लेह में दे रहे हैं और 40 नए कॉलेजेस 250 करोड़ की लागत से पूरे प्रदेश में लगाएंगे। ऑल स्कूल्स जो हैं उनमें बेंचेस नहीं होती थी, ज़मीन में बच्चे बैठते थे, सब में हम बेंचेस देंगे, ड्रिंकिंग वाटर देंगे, डेस्क देंगे और कोचिंग आईएएस, केएएस, जी, नीट इस सब की व्यवस्था करेंगे। एसएसएस 1000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हेल्थ में हम 100 करोड़ रुपये का इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स में हम 350 करोड़ दे रहे हैं सबको पूरा करने के लिए। पावर सेक्टर में 300 करोड़ बैलेंसिंग वर्क जो बीच में रुका हुआ है उसके लिए कुछ लाइनों का चक्कर है वो सब ठीक करने के लिए दे रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1500 करोड़ दे रहे हैं। रोड्स के लिए 1000 करोड़ जो लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए दे रहे हैं। 400 करोड़ मैक्डमाइजेशन, जिस ये बहुत ज़रूरी और बहुत इसकी डिमांड रहती है, उसके लिए दे रहे हैं। ये 4 times है जो अब तक मिलता था। अर्बन एक्टिविटी के लिए 500 करोड़ सीवरेज के लिए दे रहे हैं, चूँकि सीवरेज की सीवियर क्राइसिस है श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, पहलगांव में भी और वहाँ पे, और बहुत बुरा हाल है सीवरेज का, तो उसके लिए हम लोग अर्बन यहाँ रोड्स के लिए 1000 करोड़, लैंग्विशिंग जो सड़कें जो रुकी हुई हैं उसके लिए दे रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1500 करोड़ रुपया दे रहे हैं और ये रोड्स के लिए जो 1000 करोड़ दे रहे हैं, हाँ ये मैंने बता दिया, 400 मैक्डमाइजेशन के लिए। अर्बन सेक्टर को 500 करोड़ सीवरेज के लिए, 100 करोड़ नए सिटी जम्मू और श्रीनगर के लिए, और बसेस जो पुरानी हैं उनको रिप्लेस करने के लिए 50 करोड़ लोकल ट्रांसपोर्ट की। कल्चर को हम इस बार 25 करोड़ रुपया आर्ट और कल्चर के लिए खर्चा कर रहे हैं और यूथ के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए आप, 350 करोड़ रुपए हम स्पोर्ट्स के लिए दे रहे हैं। एदे थमां पहले वित्त महकमे दे प्रिंसिपल सैकटरी नवीन कुमार चौधरी होरें प्रशासनिक कौंसल दी बैठक च रियासता दे अगले माली बरे दे बजट प्रस्ताव पेश कीते ते कन्नै गै इस माली बरे दे नमें सिरिया तय कीते गए लेखा खर्च संबंधी अंदाजन बजट की भी प्रशासनिक कौंसल दी बैठक च पेश कीता। बाद च उन्हें दस्या जे अगले माली बरे बजट च विकास बाधे संबंधी योजना 470 करोड़ रुपए रखे गए। मुख्य मुद्दा है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, हमारी 3 चीज़ों पर फोकस है, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सिस्टम्स। रूरल सेक्टर पे हमारा इस बार काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसा कि आपको पता है पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो चुके हैं, तो तकरीबन अगले 15 महीनों में पंचायती राज को 2500 करोड़ और 1000 करोड़ म्यूनिसिपल बॉडीज को फंड जाएंगे। ये काफ़ी सब्सटेंशियल फंड होता है, इसलिए आज गवर्नर साहब की काउंसिल ने यह भी फैसला किया इनका अकाउंट्स अच्छी तरह से रखा जा सके। 2000 अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती स्पेसिफिक इन संस्थाओं के लिए करने की बात हुई है। मनरेगा में चूंकि क्वालिटी ऑफ एसेट्स उतने अच्छे नहीं बन पाते क्योंकि 60% वेज देना होता है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स अच्छी हो उसके लिए 10% स्टेट एक्सचेकर से ऐड किया जाएगा सो दैट अच्छे एसेट्स बन सकें। उसी तरीके से एग्रीकल्चर और जितने भी बुनियादी सेक्टर हैं उनका बजट तकरीबन दुगुना कर दिया गया है। पहली बार हमने हर
डिस्ट्रिक्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सोचा है कि एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी बने जो आईएएस केएएस बैंकिंग एग्ज़ाम दूसरे चीज़ों के लिए वहाँ पे सारी किताब जर्नल्स अवेलेबल हो, बच्चे आके वहाँ पढ़ सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। उसी तरीके से पहली बार एक लार्ज स्केल पे 2500 बच्चे इस बार विंटर में मुल्क के दूसरों हिस्सों में जाएंगे और एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। उसी तरीके से 400 करोड़ रखे गए हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं, चाहे वो पुराने हो या अपकमिंग हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए, सो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहे। आयुष मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ते प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कल किश्तवाड़ च संगठित आयुष अस्पताल दा नींह पत्थर रख्या। 7,35,00,000 रुपए की लागत कन्नै तैयार होने वाले इस निर्माण लई 1,80,00,000 रुपए की रकम केंद्रीय सरकार की तरफा जारी कर दी गई है। समारोह की संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री येसो नायक होरें आख्या जे केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर च आयुष सरिस्ते की बढ़ावा देने लई वचनबद्ध है। उन्हें यह भी आख्या जे जम्मू कश्मीर रियासत च जड़ी बूटियां दा भंडार है जिंदा इस्तेमाल इलाज लई बेहतर तरीके कन्नै कीता जा सकदा है। डॉक्टर सिंह होरें अपने भाषण च किश्तवाड़ के लोगों की इस अस्पताल के निर्माण के मुबारकबाद देते हुए आख्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे जतने कारण यह संभव हो सकया है। इदे थमां पहले इन्हें दोनों मंत्रियों भद्रवाह च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन केंद्र का नींह पत्थर रख्या। इस केंद्र च जड़ी बूटियां बारे खोज करने की आधुनिक सहूलत हासिल करवाई जा। राष्ट्र अज 1971 बारे दे युद्ध च पाकिस्तान पर हासिल जित दा दिवस मना करदा है। इस मौके पर मुल्क लई अपने प्राणे दा बलिदान करने वाले शहीद सैनिकें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती गई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, नेवी प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनवा ते सेना दे उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू और नवी दिल्ली च अमर जवान ज्योति स्मारक पर फुल माला चाढ़िए शहीद सैनिकें गी श्रद्धा सुमन भेंट कीते। ए चेता कराने वाली गल है जे अज्जै दे ध्याड़े 1971 च पाकिस्तानी जनरल आमिर नियाजी की अगुवाई च 93,000 पाकिस्तानी सैनिकें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हुंदी फौजी कमान आली भारतीय सेना सामने आत्मसमर्पण किया। इदे कन्ने गै उस मौके दे पूर्वी पाकिस्तान च चला करदा युद्ध खत्म हुआ ते बंगलादेश दे रूप च एक नवा मुल्क दुनिया दे सामने आया। अज्जै दे विजय दिवस दे समारोह च बंगलादेश थमां आए दे 72 सदस्यें दा एक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लै करदा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आखिया जे इस मौके पर पूरा राष्ट्र सशस्त्र सेनाएं गी अपना आभार प्रकट करदा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होरें भी इस मौके पर युद्ध च शहीद सैनिकें गी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे 1971 च भारतीय सेना की तरफा प्रदर्शित बहादुरी गी पूरा मुल्क नमन करता है। मानसर थारा विशाल ट्रैकिंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके सुनी सरमौर गढ़ मनवाल ते बारीगढ़ थमां ट्रैकिंग दलें गी झंडी दसिया रवाना किया गया। इस सबै दल बख बख रस्तियां हुंदे हुई मानसर पुजे। ट्रैकिंग दे शकीन बड़े मते लोकें इस उत्सव च हिस्सा लैता। पर्यावरण सैरसफा कन्नै जुड़ी दी इस पहल दा मकसद सरीसर मानसर इलाके च साहसी ते पर्यावरण अतैशी गतिविधियें गी बढ़ावा देना है। इहदा आयोजन सरीसर मानसर विकास प्राधिकरण ने जंगलात वन्य प्राणी ते समाजी वनिकी दे सहयोग कन्नै कीता। ट्रैकिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है, हमने 10-12 किलोमीटर कवर कर लिया एरिया, हमें अच्छा लगा है। लेकिन मैं अपने गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू का टूरिज्म है इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए कि जो बाकी लोग जाते हैं जैसे श्रीनगर वगैरह, अगर हमारे जम्मू में ही टूरिज्म ज़्यादा होगा तो हमें बाकी कहीं एरिया वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करें हमारे जम्मू को। मुझे ट्रैकिंग में पहली बार आकर बहुत मज़ा आया, यहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत मज़ा आया, यहाँ पर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट बहुत होती है, यहाँ पर हमने बहुत सारे जंगली जानवर देखे जैसे मोर देखा और भी बहुत सारे देखे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर संडे को यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आऊँ, अपने स्कूल के साथ आऊँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ पर इंजॉयमेंट करूँ। नशीले पदार्थें दे सेवन करी होने वाले माड़े असर बारे नशहरा च लोकें गी जागरूक करने आस्तै 3 रोज़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान दे खीरी ध्याड़े उत्थुआं दे जागतें दे गौरमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल च एक समारोह करवाया गया। इस मौके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकारी प्रतियोगिता ते सैमीनार करवाया गया। इन्हें प्रतियोगिताएं च पहली दुई ते त्री थार हासिल करने वाले विद्यार्थियों च इनाम भी तकसीम किए गए। जागरूकता अभियान का सरिस्ता केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो पासिया किया गया। हो रहे हैं ये बीड़ा उठाना है अपने परिवार में, अपने परिजनों के साथ साथ मोहल्ले में ये एक संकल्प लेना होगा कि अपने माता पिता के साथ परिजनों को भी ये कहना है कि नशे का त्याग करें। दिखा देना, दिखा देना,
काम सफल ही रहे, तो तालियां बजती रहे और फर्स्ट करे सारे सभी के सभी। आज के इस प्रोग्राम का विषय था ड्रग अब्यूज, यानी कि जो मादक पदार्थों का सेवन बच्चे करते हैं उनके बारे में बच्चों को हमने जागरूक किया है कि उनसे कैसे बचना है। लद्दाख के प्रसिद्ध लोसर मेले के सिलसिले च रियासती कल्चरल अकैडमी की तरफा कल जम्मू च ध्याड़ी भर के समारोह का सरिस्ता किया गया। इस मौके पर रियासती विधान परिषद के चेयरमैन हाजी इनायत अली और मुख परौने हे। उन्हें अकैडमी की तरफा इस समारोह की आयोजित करने लिए ओदी सराहना की, आखिया जे एदे कन्ने जम्मू के लोगों की लद्दाख खिते की समृद्ध संस्कृति की नेड़े का दिखने का समझने का मौका हासिल होग। ध्याड़ी भर चले दे इन समारोह च तकरीबन 4,000 कलाकारें ते कला प्रेमियों हिस्सा लैता। समारोह दौरान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता स्टैनजन दोरजे ग्याउन दे आसिया निर्मित ते निर्देशित प्रसिद्ध दस्तावेजी फिल्म शेफर्ड्रिस ऑफ ग्लेशियर भी प्रदर्शित की गई। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र के लोक नाच ते गीत समारोह का मुख आकर्षण है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से लोसर फेस्टिवल, जो लद्दाख का फेस्टिवल है बुनियादी तौर पर, उसको मनाया जा रहा है जम्मू के अभिनव थिएटर में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना उत्सव है आर्टिस्ट्स में, आर्ट लवर्स में, और 3,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट्स और आर्ट लवर्स इस फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं और इनमें से बेशतर नौजवान हैं और ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट्स हैं या आर्ट लवर्स हैं, देखने वाले हैं, वो लद्दाख से आए हुए हैं। और हम फख्र महसूस करते हैं कि रियासती कल्चरल एकेडमी की जानिब से हमें मौका मिल रहा है इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का। और मुझे यकीन है कि इससे जो हमारे लद्दाखी दोस्त हैं उनको यकीन हुआ होगा कि रियासत के जो कल्चरल है, अलग अलग रंग हैं, इन भिन्न भिन्न रंगों को हम एक जगह सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह से हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं अपने दोस्तों को कि इस रियासत का कोई भी तहजीबी रंग हो, हम उसको निखारने की कोशिश करते हैं और हमेशा निखारते रहेंगे। तो ना खर्च एक बारी परती अजय दी खास खास खबर। रियासी प्रशासनिक कौंसल ने 2019-20 बरे दे बजट प्रस्तावे की दिती मंजूरी। गवर्नर और आख्या बजट च बुनियादी ढांचे दे विकास पर दिता गया है जोर। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नायक ते डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कल किश्तवाड़ च आयुष्मान अस्पताल ते भद्रवाह च जड़ी बूटियां दे खोज केंद्र दा रख्या नींह पत्थर। 1971 युद्ध दे विजय दिवस पर राष्ट्र दया करदा अज युद्ध शहीदें गी श्रद्धांजलि। ते इस दे कन्ने गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दियो, नमस्कार।